A Slumber Did My Spirit Seal is a poem written by William Wordsworth. The poem discusses the idea of death and how it affects the living. In the poem, the speaker discusses how his loved one has died and how her spirit is now sealed in slumber. The poem is considered a romantic poem that emphasizes nature and emotions, and it has been studied by many students in the Class 9 CBSE curriculum. To fully understand the poem, it is important to examine the language and imagery that Wordsworth uses. Some key themes in the poem include death, loss, and the passage of time. The poem explores the idea that even though the speaker's loved one has passed away, her spirit is still present in the natural world. By examining the language and themes of the poem, students can gain a deeper understanding of the romantic movement and its focus on emotions and nature. Overall, A Slumber Did My Spirit Seal is a powerful poem that can teach students about the complexities of human emotion and the power of nature. Ignited Minds Tutorials has uploaded a video explaining the poem, discussing its summary and various poetic devices used for students of Standard 9 and CBSE. People, we will do two things out here. एक आपका जो poem है, ठीक है, और दूसरा आपका एक story हम cover करेंगे. तुमने जो poems मुझे दिए हैं, वो तो NCERT से वो गए, delete हो गए, NCERT के syllabus से, omitted है वो. ये वाला है, और दो poem जो तुमने दिए हैं, वो नहीं है. Snake वाला जो poem है, पता नहीं. I'll talk you. Okay. So this poem basically was written by William Wordsworth. ठीक है. This poem was written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ज़्यादा करके हम इनको जानते हैं, एक नेचर के पोएट थे, नेचर रिलेटेड चीज़ें लिखते थे ज़्यादा करके. उनके पोएम्स बहुत यू नो शॉर्ट होते थे और काफ़ी मीनिंगफुल होते थे. दे जनरली यूज टू बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल एज वेल. ठीक है. वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म बोला जाता है, मतलब नेचर रिलेटेड पोएम्स, इमोशंस को रिलेटेड जो पोएम्स होते हैं, ठीक है, इनको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं. So that was what was written by him, and one of its most central figures and important intellects. तो ये ब्रिटिशर थे बेसिकली, और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. ठीक है. देर वॉज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है. देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाई हिम इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. ही इज रिमेंबर्ड एज अ पोएट ऑफ स्पिरिचुअल स्पेक्यूलेशन. स्पिरिचुअल स्पेक्यूलेशन हम बोलेंगे, मतलब काफ़ी इनके पोएम जो होते थे वो स्पिरिचुअल लाइन में होते थे. ठीक है. अ पोएट कंसर्न विद द ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू नेचर. तो जैसे मैंने आपको बोला, ज़्यादा करके इनके पोएम्स को हम नेचुरल मानते हैं, मतलब नेचर रिलेटेड पोएम्स ये काफ़ी ज़्यादा लिखते थे. ठीक है. नेचर रिलेटेड पोएम्स इनके काफ़ी ज़्यादा होते थे. सो मोस्टली द पोएम्स वे नेचर रिलेटेड. ठीक है. एंड अ फियर्स एडवोकेट ऑफ यूजिंग द वोकैबुलरी एंड स्पीच. फियर्स एडवोकेट ऑफ यूजिंग वोकैबुलरी एंड स्पीच पैटर्न्स ऑफ कॉमन पीपल इन पोएट्री. तो काफ़ी इनका पोएम पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप था, और एक जाने माने पोएट थे. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ वेरी रिनोन्ड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पोएम्स होते थे, स्ट्रॉन्ग मैसेज हुआ करता था, और ज़्यादा करके नेचर से ये ह्यूमन इमोशंस को कनेक्ट करते थे. ठीक है. सो यू विल रीड मोर ऑफ हिज पोएम्स इन 10th स्टैंडर्ड इज वेल. ठीक है. ओके. फिलहाल तो ये जो पोएम है, ठीक है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. ठीक है. ये पोएम के बारे में हम समझेंगे. पोएम एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. ठीक है. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. तो अभी ये एक नींद की बात कर रहे हैं. स्लम्बर मतलब होता है डीप स्लीप. ठीक है. स्लम्बर बेसिकली मीन्स वेरी डीप स्लीप. ठीक है. एज इफ ही हैज गॉन इनटू अ वेरी डीप स्लीप, जब एकदम यू नो यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग अराउंड यू. ठीक है. कोई भी आभास आपको नहीं होता है. डीप स्लीप. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. मेरा पूरा स्पिरिट जैसे एक डीप स्लम्बर में चला गया था. ठीक है. ही सेइंग दैट एज इफ माई एंटायर स्पिरिट, मेरा पूरी आत्मा जो थे एक स्लम्बर में क्लोज्ड अप हो गई थी. ठीक है. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. जब भी आप जागृत अवस्था में होते हैं, चाहे आप जितना भी फियरलेस रहें, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी आपके अंदर रहेगी, कुछ ना कुछ फियर आपके अंदर रहेगा. जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फियर रहेगा. ऐसा कोई निर्भय इंसान हो ही नहीं सकता है. ठीक है.
कुछ ना कुछ चीज के लिए आप ट्रबल रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज के लिए आप मेडिकल नो फेलियर शायद हो जाए इसमें, है ना। सो एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ यू विल ऑलवेज इनकाउंटर फियर, ठीक है। किसी किसी में फियर, देखिए फियरलेस हम किसको बोलते हैं, जिसने फियर को दिखाया नहीं। कुछ कुछ होते हैं जो अपने जिनका फियर चेहरे पे आ जाता है, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो फियर को दबा के रखते हैं, लेकिन फियर सबके अंदर है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। सबसे बड़ा फियर तो डेथ का है भाई साहब, ठीक है। आप अगर वाकई में फियरलेस है तो भाई साहब रास्ते में खड़े रहिए, गाड़ी आने नहीं हो सकता ना भाई साहब, देयर इज अ फियर ऑफ डेथ, राइट। सो लेट्स एक्नॉलेज फियर, वी ऑल हैव सम अमाउंट ऑफ फियर, ऑल लिविंग बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, सारे लिविंग बींग्स में एक फियर फैक्टर होता है। इस फियर को हम कभी नहीं फील कर पाते हैं जब एकदम डीप स्लीप में है, ठीक है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, तो ये एक ऐसे अपने मनोस्थिति की बात कर रहे हैं जब ये डीप स्लंबर में है, और मतलब तभी उनको कुछ भी एहसास नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट इज बिलवेड, गर्लफ्रेंड होगी वाइफ होगी मालूम नहीं, इज टॉकिंग अबाउट इज बिलवेड लूसी, ठीक है। ही हैज़ बेसिकली लॉस्ट हर, शी इज नो मोर एज ऑफ नाउ, ठीक है। शी सीम द थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, शी इज डेड नाउ, ठीक है। सो अभी उस जो मर चुका है वो अभी कुछ फीलिंग नहीं कर सकता, राइट। She seemed the thing that could not feel the touch of earthly ears. Okay, so she's died. She is no more as of now. So he is basically remembering her. So slumber मतलब होता है deep sleep. Spirit मतलब यहाँ पे हम soul की बात कर रहे हैं, ठीक है? Explanation of the above poem: The poet's soul had drifted into deep sleep as he did not have any realization of the truth. ठीक है? तो एकदम deep sleep में है ये, और कोई realization नहीं है इनको, truth से कुछ लेना देना नहीं है सच्चाई से। He had taken life for granted and have never thought that one day death would take Lucy away from him. ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि लूसी जो उसकी बिलवेड है वो उसके पास नहीं रहेगी। She is going to die. Everybody is going to die. So he has lost her basically. ठीक है, when she was taken away, he could not bear the loss. So एक बहुत ही emotional attachment रहा होगा इनका, जिसके वजह से obviously when she has died, he is not able to bear the loss and he is expressing the loss or his emotions in this poem, ठीक है, clear है? So the touch of earthly years, तो यहाँ पे बस आप slumber spirit, ये stanza clear है भाई साहब, is it clear? ठीक है, she seemed the thing that could not feel the touch of earthly years, और ये तभी possible है जब कोई इंसान dead हो जाए, ठीक है? No motion has she now, no force she neither hears nor sees. Obviously जो इंसान मर चुका होता है, कोई motion उसमें होगा नहीं, ठीक है? कोई movement उसमें नहीं होगा, ठीक है? No force, कोई force उसमें नहीं होगा. There is no life force at all. She neither hears nor sees. Obviously ना वो सुन सकती है और ना ही वो देख सकती है. Rolled around in earth's diurnal course. ठीक है, diurnal course मतलब क्या होता है, जैसे एक डेली कोर्स. Diurnal course is earth's daily rotation on its axis. ये अर्थ है भाई साहब, ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ना. ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. तो ये भी धरती में समा गई है, ठीक है, ये भी धरती में समा गई. हमको मालूम है क्रिश्चियनिटी में दे कॉफिन में बरी कर देते हैं, है ना. आफ्टर द पर्सन इज डेड, द पर्सन इज बेसिकली टेकन इन टू अ कॉफिन, सील्ड एंड बरीड इनसाइड द अर्थ. ठीक है, सो यहाँ पे वही बोलते, देखो रोल्ड अराउंड. रोल्ड अराउंड मतलब अभी इनको पैक कर दिया गया, डेड बॉडी को जैसे पैक करते हैं. रोल अराउंड इन अर्थ डायुर्नल कोर्स मतलब अभी शी इज इनसाइड अर्थ, और अर्थ वैसे जैसे घूम रहा है वो भी वैसे ही. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली रोल्ड अराउंड इन अर्थ डायुर्नल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. अभी उसके आजू बाजू क्या होंगे, उसके कॉफिन के आजू बाजू रॉक्स होंगे, ठीक है, ट्रीज के रूट्स होंगे, यही सब होंगे ना भाई साहब. जमीन के अंदर और क्या होगा, ट्रीज के रूट्स होंगे, रॉक्स होंगे, ठीक है, सॉयल होगा, विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, ये सब है अभी उसके आजू बाजू. ठीक है, शी सीज डेड नाउ एज ऑफ नाउ. ठीक है, अर्थ डायुर्नल कोर्स मतलब यहाँ पे क्या है, इज अर्थ डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, सो अर्थ में वो समा गई है ऑब्वियसली, आफ्टर क्रिमेशन, आफ्टर बेसिकली द लास्ट राइट्स आर डन. So she is no more. She is packed into a coffin and she is laid down to rest for all ever. Okay? Okay. Explanation of the above point. The poet accepts the truth that Lucy is no more. Now he accepts it. Okay? Aisa lag raha tha ki abhi tak wo accept nahi kar pa raha kyunki deep slumber mein hai. Okay? Now he has accepted it that Lucy is no more. She is motionless and lifeless. Koi motion nahi hai aur lifeless obviously. She cannot see nor hear. She has now been buried in the earth. Okay? तो अर्थ के अंदर बरी कर दिया गया है इनको. शी विल एसिमिलेट इन टू द अर्थ एंड इज रोटेटिंग अलॉन्ग विद द अर्थ. तो अर्थ जैसे भाई साहब रोटेट कर रहा है, वो भी अर्थ के साथ ही रोटेट कर रही है. शी विल नाउ बी
assimilated into the earth. Okay? One day she will become one with the rocks, stones and trees that are a part of the earth. So obviously, ek din sab kuch khatam ho jayega, hai na? She will become a part of the rocks, stones and trees that are a part of the earth. Okay? Aisa mana jata hai, aur scientists log bhi bolte hain ki on an average, ek insaan 12 lashon ke upar hai. Theek hai? 12 लाशों के ऊपर है, मतलब आपके ज़मीन के अंदर जो ज़मीन बनी है, ठीक है, वो डेड लिव एनिमल्स और प्लांट्स से ही बनी है. इसमें इस बात में अगर आपको डर लगे तो डर लगे, और मतलब एहसास हो तो एहसास हो, लेकिन यही सत्य है. ठीक है, कि जो सॉयल बना है आपका, वो कहाँ से बना है? डेड एनिमल्स और प्लांट्स से ही तो बना है. ठीक है, सो ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स है. ऐसा माना भी जाता है कि शायद आइंस्टीन के कण आप में भी हों. व्हाट हैज हैपेंड? ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज बरीड एंड लास्ट राइट्स आर डन. तो वो शरीर के कण कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली पूरे एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाएंगे, चाहे जलाया जाए, चाहे बरी किया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए. वॉट एवर वेज द लास्ट राइट्स आर परफॉर्म, वॉट हैपन्स टू द बॉडी? ऑब्वियसली इट इज डाइजेस्टेड. ठीक है, सो दिस मतलब अर्थ उसको डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, तो इट विल शी हैज नाउ बिकम वन विद द रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. एंड दिस इज द फेट ऑफ एवरी लाइफ. इट इज नॉट अबाउट लूसी, इट्स अबाउट द फेट ऑफ एवरी लाइफ. ही इज हिंटिंग दैट दिस इज वॉट डेथ इज. ठीक है, ऑल्दो ही फील्स फॉर हर, ऑल्दो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फॉर हर, बट नाउ शी इज गॉन. ठीक है, एंड एवरीबडी हैज टू गो दिस वे. एवरीबडी विल वन डे बी अ पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो ये एक लाइफ की हकीकत है. लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं? देखो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी डी सी डी. सो लेट्स लुक एट दिस. यहाँ पे सील है, इसको हमने ए बोला. फियर्स, ये हो गया बी. सील के साथ भाई साहब फील हो रहा है, तो ये हो गया ए. Fears, years, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम, हो गया ए बी ए बी. ठीक है, क्लियर है? सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं भाई साहब. इसको अगर हमने सी बोला, फोर्स, सीस, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फोर्स और सीस. फोर्स कोर्स, सी और ट्रीज, सीज और ट्रीज, तो ये डी. तो सी डी सी डी है. ठीक है, अगर किसी पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स. ठीक है, इट इज रिटन इन फ्री वर्स, नो राइमिंग स्कीम. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है? फर्स्ट स्टैंजा का भाई साहब है ए बी ए बी, और सेकंड स्टैंजा का है सी डी सी डी. ऑलिटरेशन मतलब क्या होता है बच्चा बाड़ी? ऑलिटरेशन मतलब नहीं, रिपीटेशन और ऑलिटरेशन अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, ऑलिटरेशन इज नॉट रिपीटेशन. एक कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्ट ऑफ द वर्ड पे आता है उसको हम बोलते हैं ऑलिटरेशन. ठीक है, सो द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स इज कॉल्ड ऑलिटरेशन. द इंस्टेंसेस ऑफ ऑलिटरेशन, देखो एस साउंड आ रहा है, स्पिरिट, सील्ड, रोल्ड, राउंड. ठीक है, अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे, ये आपका आर, ठीक है, ये शब्द आ रहा है भाई साहब, रोल्ड, राउंड. ठीक है, ये एक के बाद एक आ रहे, तो इसको हम ऑल्ट्रेशन बोलेंगे. यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो क्या है? आपका आर साउंड है. ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा स्टोन्स, और कहाँ था भाई साहब आपका? नहीं नहीं अभी देखा ना हमने स्पिरिट, और कहाँ था भाई साहब? हाँ, तो भाई साहब आपका शी और सीम्ड. ठीक है, तो एस साउंड देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोमिनेंटली. ठीक है, एस साउंड आपका भाई साहब आ रहा है. सो दीज आर बेसिकली ऑलिट्रेशंस. ठीक है, एंजैबमेंट किसको बोलते हैं हम? एक ही सेंटेंस जब दो तीन लाइन में स्टैंजा में अपियर हो. वन सेंटेंस बेसिकली अपियर्स इन टू थ्री लाइन्स इन अ स्टैंजा, इसको हम बोलेंगे एंजैबमेंट. व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इन टू और मोर लाइन्स ending without any punctuation marks, it is called enjambment. The instances of enjambment are as follows. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. So, देखो दो लाइन में अपियर हुआ, एक ही लाइन है बेसिकली, दो दो लाइन में अपियर हुआ. इस टाइप के पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं enjambment. ठीक है, that is known as enjambment. Rolled around in earth's diurnal course with rocks, stones and trees. So, she is now rolled around, मतलब wrapped around in a coffin box, and all that she has around her is rocks, stones and trees. ठीक है, और diurnal course मतलब अर्थ भाई साहब रोटेट कर रहा है, तो उसका बॉडी भी भाई साहब वैसे ही रोटेट कर रहा है, बिकॉज शी इज buried inside the earth. क्लियर क्लियर पीपल हम? ठीक है, ओके, सो दैट वॉज अबाउट द पोएम पीपल. एनी कन्फ्यूजन यू हैव, एनी क्लैरिफिकेशन यू नीड? इन्होंने अपने एक बिलवेड के बिछड़ जाने पर एक दुख व्यक्त किया है, और शायद इस दुख का हिंट हम सबको होना चाहिए. ठीक है, जनरली हम ये सोचते हैं ना कि अगर किसी के फैमिली में कोई मर जाता है तो हम संवेदना एक्सप्रेस करते हैं. ओ मतलब वी यू नो फील फॉर दैट फैमिली, फॉर द लॉस वी एक्सप्रेस आर ग्रीफ. लेकिन हम सबको ये होना चाहिए कि भाई साहब सबकी जर्नी यही है ना. समबडी इन दैट फैमिली हैज़ एक्सपायर्ड टुडे,
तो टुमारो आई विल ऑल्सो गो, माई नेबर्स विल ऑल्सो गो, माई फैमिली मेम्बर्स विल ऑल्सो गो, एवरीबडी हैज टू गो, ठीक है। सो ये हमारे और चीज़ें हैं देखो, और अगर आप देखोगे ना, मतलब डेथ को हम एक मतलब ज़्यादा करके आप अगर बोलेंगे ना, जैसे हम बोलते हैं स्वर्गीय, ठीक है, कोई स्वर्ग गया है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन स्वर्गीय बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाई आर वी यूजिंग दीज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, लेट, ठीक है, हम बोलते हैं ना लेट मिस्टर सो एंड सो, स्वर्गीय ये सो एंड सो, व्हाई आर वी यूजिंग दीज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, अच्छे लोग थे, कोई बुरा इंसान नहीं होता है, मर जाने के बाद कोई बुरा इंसान नहीं होता है, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक बुरा होता है, ठीक है। मर जाने के बाद हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, मन ही मन बोल सकते हैं लेकिन सामने नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों है, व्हाई डू वी वेयर इट, तुमने देखा टेलीस्कोप लगा के वो जा रहा है कि नहीं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो वाकई में स्वर्ग गया है कि नहीं, या स्वर्ग बोल के कोई चीज है कि नहीं। इसके पीछे ना एक ह्यूमन इमोशन है, हम डेथ को बहुत, मतलब हम सब बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको भाई साहब एक नाम दे रहे हैं स्वर्गीय। वो हुआ रहेगा भाई साहब कुछ, हमको क्या मालूम, ठीक है, दूसरे जन्म में पता नहीं क्या हो गया, या दूसरा जन्म हुआ ही नहीं होगा, हमको क्या मालूम, लेकिन वी आर बेसिकली जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, जाना नहीं और समझा नहीं, उसमें हम ऐसे एडजेक्टिव डालते हैं ताकि ये हमारा एक एक मतलब नियम है, ये हम ही कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, ये हम ही कर रहे हैं। एनिमल्स को देखो भाई साहब, कोई मरा है तो मर गया भाई साहब, चलो भाई साहब आगे चलता है आगे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। शेर ने खा लिया किसको, क्योंकि अपना नेचुरल डेथ, मर गया, इट्स हिज लाइफ, इट्स डन। लेकिन हम उसमें स्वर्गीय अटैच कर देते हैं, ये अटैच, आपने देखा है भाई साहब मंदिरों में लोग ऐसा पत्थर पे नाम लिखवा के रख देते हैं, ये पत्थर है, ये पत्थर है भाई साहब, है ना, ये इसमें हमने दान किया है। वाई वाई डू यू थिंक दिस इज, क्योंकि हम डेथ को, मैं डेथ से इतना ज़्यादा हमको डर है कि हमने उसको ऐसे स्वर्ण अक्षर में एडजेक्टिव दे दिए हैं कि भाई साहब अगर हम कल मरेंगे तो हम भी स्वर्गीय हो जाएंगे। ये हमारा माइंड स्कोप है, ठीक है, इट्स जस्ट एक फैंटेसी है हमारा कि वी विल बेसिकली लैंड अप इन सम प्लेस कॉल हेवन, वट एवर इट इज, बट दैट इज हाउ वी बेसिकली सी डेथ, ठीक है। यहाँ पे डेथ पे हिंटिंग है कि डेथ मतलब सिर्फ धरती में समा जाना होता है, ठीक है। योर बॉडी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन अ साइंटिफिक वे विल अगेन बी रिटर्निंग बैक टू अर्थ, you have come from earth and to earth you will return, that is all about it, okay, that is all about death, so that is has what has been hinted in this poem, a bahut chhota sa poem hai lekin meaningful poem, generally log isko samajhte hain ki bhai ye apne beloved ke liye ro raha hai, lekin aisa nahi hai, okay, he is not crying, he is a great poet, so obviously he will not be lamenting about his beloved in a poem, he is trying to hint on death which sooner or later is going to fall on all of us, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पोएम्स कॉन्टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग? नहीं, आगे बढ़ा जाए भाई साहब, बहुत बड़ा।